वो देख। सो दोस्तों अब करते हैं फटाफट से पैकिंग और यहाँ से हम निकलते हैं एंड काफ़ी सामान खिलरा हुआ है एंड उस सब चीज़ों को मैनेज करेंगे एंड फटाफट यहाँ से निकलेंगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन से चलेंगे डायरेक्टली सीधा कटरा की तरफ हेमकुंड एक्सप्रेस से एंड तो चलो। सो दोस्तों पूरी पैकिंग हो चुकी है बढ़िया तरीके से एंड अब हम डायरेक्टली आपको मिलते हैं स्टेशन पे एंड हम जहाँ जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए एंड जो हमारी पहली डेस्टिनेशन होगी वो कटरा स्टेशन होगी जो यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। बाकी मैं हर एक चीज़ जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ती जाएगी आपको हर एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा, कितना खर्चा हुआ है, जो हमने टिकट लिए ट्रेन की वो कितनी है, जो हमने रिज़र्व करवाई है एंड जो रूम्स लेंगे या जो भी एक्सपेंसेस होगा आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखेगा। सो मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। सो दोस्तों कैसे हो, आई होप सारे कैंट बढ़िया ऑसम ब्लॉसम होंगे। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर रेलवे स्टेशन एंड चलो दोस्तों के पास चलते हैं। इस वक्त हम हैं अम्बाला कैंट स्टेशन पे एंड हमारी जर्नी रनिंग पे है एंड अम्बाला कैंट पहुँच गए हैं हम। कब तक पहुँचेंगे अपना क्या पहुँचेंगे? सुबह छः सात बजे के करीब पहुँच जाएंगे। 6-7 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचेंगे। सो क्या कहते हैं कटरा स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं माता जी के दरबार के बिल्कुल पास में। जो रास्ते वाले अपना व्यूज़ थे वो मिस होए या नहीं है? वो मिस इस कारण हुआ क्योंकि अंधेरा था रास्ते में और मेरे ख्याल से ट्रेन पहुँच चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हो इस टाइम अभी भी नाइट मोड ही चल रहा है, ठीक है। सो इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके लिए भी आगे बढ़ेंगे एंड तो चलो आगे मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन के बाहर एंड यहां से लेंगे टैक्सी और साथ में यहां से रूम के लिए पता करेंगे कि कितने का रूम है, क्या रेंट है, जो भी है हर एक चीज़ आपको आगे दिखेगी। सो फिलहाल मेरे दोस्त बात कर रहे हैं अपना टैक्सी वालों से कि कितने की कॉस्ट पड़ेगी, क्या है सारा। इन सारी चीज़ों को मैं अभी आपके सामने रूबरू करवाऊँगा। कितने का होगा जी वो रूम? कितना कह रहे हो आप? पर बंदा 150 रुपये आपका पर मेंबर का खर्चा आएगा। अच्छा 1050 हो गया। कितने मेंबर हुआ? आप 150 रुपये पर बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रूम पे चलते हैं। वाह जी वाह, रूम तो है जी शानदार, जानदार और ईमानदार, क्या बात है। सो भाई साहब मेरे हिसाब से ये सिलेक्टेड होगा और हम इस शानदार रूम में रहने वाले हैं। सो चलो। तो दोस्तों सीन ऐसा है लेकिन सीन देखने से पहले आप मेरे पीछे वाला सीन देखिए, क्या ज़बरदस्त व्यू है पीछे, बढ़िया सी पहाड़ है। हमने उसी जगह जाना है, हमारा मैं जिस जगह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो जो हमने रूम लिया है आज के लिए मैं उसके ऊपर ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और हमारे जो मेन फ्लोर है, जो टॉप जो टेरिस है उसके ऊपर ही हमें जो अधकवारी है जिसे हम मिड ऑफ दरबार साहब, जब हम माता जी के दरबार के लिए जाते हैं तो मिडल में आता है वो अधकवारी आता है, तो हमें यहीं से ही वो नज़र आ रहा है। हमने उधर ही जाना है, हमारी पहली डेस्टिनेशन वहीं है एंड अभी बज चुके हैं 7:30 एंड हम 1.5 से 2 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे और यहाँ से निकल जाएंगे उस डेस्टिनी की ओर एंड बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ मिलती रहेगी हम। लेकिन उससे पहले आप इंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। सो चलो। तो दोस्तों अब नहा धो के नन्हे मुले बच्चे बन चुके हैं हम, ठीक है। और अब हम डायरेक्टली जो होटल का जो भी ट्रैवलिंग जो में वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, ठीक है, उसमें हम बैठेंगे और हमें वो बस स्टैंड के आसपास छोड़ेंगे और वहाँ से हम लेंगे, वहाँ से हम यात्रा पर्ची लेंगे एंड उसके लिए हम उसके बाद हम निकल जाएंगे बाढ़ गंगा की तरफ। बाढ़ गंगा उसके बाद हम जाएंगे सीधा हरिद्वारी रुक के फिर हम जाएंगे सांझीछत। अच्छा, सांझीछत से फिर हम जाएंगे दरबार में, ठीक है जी। तो ये आगे का शेड्यूल है, सो आप देखते रहना, धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, एक और ना आधा हो गया, बंदा आ चुका है, तैयार हो गया भाई। हाँ जी, आई एम रेडी, फुल तैयार है भाई, तैयारी पूरी फुल तैयारी, ठीक है। एक वो चोटी वाला बाबा जी थोड़ी दूर है अभी, ठीक है, कोई गल नहीं है, तो चलता रहता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बस स्टैंड के पास, जहाँ पे पर्ची कटवाएंगे जो कि ऊपर यूज़ होती है जब हम दर्शन करते हैं। सो ये वो जगह है जहाँ से हम पर्ची कटवाने जा रहे हैं, तो यहाँ से रास्ता जाएगा। कोई आईडी प्रूफ वगैरह तो नहीं चाहिए ना जी? ना, अमनदीप सिंह जी, यमुनानगर हरियाणा, सूरज यार, ये जो हमने पर्ची ली है, मतलब कि इसके बिना माथा नहीं ऊपर टेका जा सकता? हाँ, दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा, दर्शन ही नहीं हो सकते। और अच्छा, अगर क्या कहते हैं, मतलब कि अगर इसके बिना ऊपर जाएगा तो ऊपर भी नहीं बन पाएगी, ऊपर बन जाती है? ऊपर बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अगर नीचे से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये पर्ची बाल गंगा एंट्री होती है। हाँ, बाल गंगा एंट्री होती है, ठीक है, पाजी ने भी बताया। और पीछे देखो, ये मस्करी इनकी चलती रहती है, ये नहीं चुप होने वाले, लेकिन मैं भी नहीं चुप होऊंगा, ठीक है। तो आप ऊपर जाके भी ये पर्ची ले सकते हो, बाई चांस अगर नीचे छूट जाएगी तो ऊपर जाके आप इजीली ले सकते हो, लेकिन नीचे ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है कि नहीं पाजी? एंट्री ये बिना होती नहीं बाल गंगा। अच्छा, बाढ़ गंगा के बिना एंट्री नहीं होती, ठीक है जी। तो जी, ये जरूर बस स्टैंड के पास से पर्ची कटेगी, आप ले सकते हो। अगर आप किसी अच्छे होटल में हो तो वहाँ से भी कट सकती है आराम से, ठीक है। सो लो जी, लो, जय माता दी। यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्टिंग लगभग हो गई है, लेकिन मेन स्टार्टिंग हमारी होगी आगे अपना क्या कहते हैं, बाढ़ गंगा। पहले बाढ़ गंगा जाने का पूरा प्लान है, क्योंकि इससे पहले दो बार ही आए हैं, दोनों बार नहीं जा पाए हम, है ना भाई, दोनों बार। तो इस बार हम हर एक चीज़ कवर करेंगे। नरवाल भैया, अभी हम किस जगह पे आए और यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? अभी हम गोवन पे यात्रा शुरू करने वाले हैं यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद हम जाएंगे बाणगंगा पे, ठीक है। फिलहाल अभी हम हैं चेक पोस्ट, जहाँ पे चेकिंग होगी कि कोई ऐसा वैसा सामान तो नहीं है कि ऊपर लेके जा रहे हैं, वेपन वगैरह, तो सारी यहाँ चेकिंग होती है। एंड उसके बाद ऊपर पहाड़ों की वादियों में जाएंगे और मज़े करेंगे। कैमरा है ये तो ब्लॉगिंग में बड़ा वार्ड आया, मैंने मेरे टीवी छोड़े कि जब होते हैं मैंने क्या मैं वो रखा है बढ़िया चीज। सो दोस्तों, इस टाइम अभी हम जिस जगह है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये रास्ता ऊपर जाता है ट्रैकिंग को, अपना चढ़ाई की तरफ जो दरबार की तरफ जाता है। एंड उसके साथ ही अपना चढ़ाई शुरू होने से पहले ये लंगर अपना बाण गंगा के बिल्कुल पास, इनका जो मेन जो फाउंडर है इस लंगर के, जो गुलशन कुमार जी, जो हमारे सिंगर थे, ठीक है, ये उनकी कृपा लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए, सेवा है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। तो आप अगर आपने खाया नहीं, अगर आप लंगर सकना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हम ऊपर अपना चढ़ाई चढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, एक राइट जाता है और एक लेफ़्ट नीचे जाता है। सो हम आज जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, ये साफ़ रास्ता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एंड चलो चलें। अभी तो भाई साहब जी मक्खन वाला रास्ता लग रहा है, लगभग सारी की सारी निंचाई है, लेकिन बाद में पता लगेगा जब ऊपर चढ़ेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराइएगा मत, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो दर्शन के लिए ये मत सोचना कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ होगी नहीं, कर नहीं पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसान है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। एंड जय माता दी, जो भी आपका नारा होगा, जो भी आप दिल से जिसको चाहते होंगे उसका नाम लेना अपने गुरु जी का, और ऊपर चढ़ते जाना। एंड आई होप कि बहुत बढ़िया तरीके से आपके दर्शन होंगे। एंड चलो चलते हैं आगे। वाह जी वाह, क्या हरियाली है भाई, ऐसी हरियाली अपने शहर में मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आसपास है तो है हमारे वो अपना क्या कहते हैं पोंटा साहब है, तो बहुत दूर है, दूर है, ठीक है। यहाँ मतलब इसके कहने का मतलब भी है यहाँ की हरियाली फ्रेश है एकदम, चट के कहते हैं ना जिसे, वो चीज़ है। पोल्यूशन टेंशन फ्री वाला मामला है यहाँ पे। जरूर आओ यार, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। यहाँ से असली जिसे कहते हैं ना चढ़ाई, ट्रैकिंग शुरू हो गई। एंड थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ना स्टार्ट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे एंड वी कैन